XUV700 की 1,00,000 बुकिंग हो गई है, पर ये हमारी RCC हैरियर वही बैठी हुई है, तो इसलिए हमें कुछ करना पड़ेगा इसका फेसलिफ्ट लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए आज मैंने सोचा है क्यों ना हम इस गाड़ी का फेसलिफ्ट डिजाइन करें, जिसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वो इस गाड़ी में डाले, टाटा को सेंड करें और फिर देखते हैं कि टाटा कोई एक्शन लेते हैं या फिर नहीं। तो भाई सबसे पहले आप हैरियर को देखो आगे पीछे से दाएं बाएं से, गाड़ी काफी अच्छी है, इसमें आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, प्रोपोर्शन काफी अच्छे गाड़ी के, जो गाड़ी का साइज है वो भी काफी डिसेंट है, काफी अच्छा है। पर मेरे ख्याल से इस गाड़ी में अगर फेसलिफ्ट आएगा तो थोड़े बहुत इसमें वैसे चेंजेस होने चाहिए जैसे जो बाहर वाला ह्यूंडा क्रेटा फेसलिफ्ट है उसमें, जिसमें जो गाड़ी की बॉडी लाइंस है, जो गाड़ी की शेप है वो एग्जैक्टली सेम है, पर जो लाइट्स है गाड़ी की, जो थोड़े बहुत एक्सेंट्स है बॉडी के और जो थोड़ी बहुत लाइंस है उनमें आपको थोड़े बहुत डिफरेंस मिलते हैं। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इस गाड़ी में आपको साइड में एकदम बढ़िया लुक्स मिलती है, उसमें कोई गलती नहीं है। पीछे अगर आप देखें इस गाड़ी में आपको बढ़िया लुक्स मिलती है, लेकिन सामने इस गाड़ी में मैं मानता हूँ कि थोड़ी लुक्स खराब है। भाई तू गया भाई, टाटा फैनबॉय तुझे मार डालेगा भाई, तू गया। चलो दोस्तों बाय, मैं जा रहा हूँ यूट्यूब से। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सामने इस गाड़ी में मैं मानता हूँ कि जो इसकी लुक्स है थोड़ी और अपग्रेड होनी चाहिए, जिसमें जैसे आपको डुअल पार्ट वाली लाइट्स मिलती है, जिसमें आपको ऊपर एक LED की स्ट्रिप मिलती है और नीचे आपको हाई बीम और आपको वाइड बीम लाइट मिलती है, तो जो स्लाइड की शेप है उसमें डिफरेंस आनी चाहिए, थोड़ी एजियर बननी चाहिए, जो कि अभी थोड़ी बड़ी बड़ी लगती है, थोड़ी कम अच्छी लगती है। और भाई मेरी बात मानो तो जो वेलार है उसकी लाइट्स डाल दो, जैसे ये जो आपके सामने कंसेप्ट इमेज आ रही है इसमें डाली है, और ये हमारी डिस्कॉर्ड के एक मेंबर ने बनाई थी, और अगर आपको भी डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, हम सबसे बात वगैरह करनी है कम्युनिटी में और अपने थोड़ी बहुत मीम्स वगैरह शेयर करनी है, तो जो डिस्कॉर्ड सर्वर है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप ज्वाइन करना और हमारी जो कम्युनिटी है उसके मेंबर बन जाओ एकदम सिग्मा वाले, और सब्सक्राइब भी कर लेना एक सिग्मा प्रो बनने के लिए। हमारे 5,25,000 सब्सक्राइबर हो गए, 5,26,000 हो गए, इनफैक्ट 5,50,000 का MS वाले महीने का, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो एक रियल कार्वर्सल प्रो बनने के लिए, एक रियल सिग्मा बनने के लिए। वैसे भी आपको कहीं पे मिलने वाला है ऐसा कंटेंट। तो भाई विलार वाली लाइट छोड़ो, और साथ ही में जो सामने की ग्रिल है गाड़ी में वो आपको डिसेंट मिलती है, काफी अच्छी मिलती है, और जो बंपर है वो भी आपको सही मिलता है, लेकिन जो इस गाड़ी के फॉग लैंप है वो आपको राउंड वाले मिलते हैं, जो कि काफी पुराने लगते हैं, मेरे ख्याल से स्क्वायर आने चाहिए जो कि डिसेंट लगेंगे। और साइड में इस गाड़ी में आपको फिलहाल 17 इंच के अलॉयस मिलते हैं इसके नॉर्मल वाले स्पेक में, और अगर आप इसका डार्क एडिशन लेते हैं तो इसमें आपको 18 इंच के मिलने चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से जो इस गाड़ी के नॉन डार्क वाले वर्जन है उनमें भी आपको 18 इंच के अलॉयस मिलने चाहिए, जो कि थोड़े ऐसे अलग से लगते हैं, थोड़े बड़े लगते हैं, और वैसे भी जो गाड़ी का साइज है काफी बड़ा है, तो इसलिए अगर इस गाड़ी में 18 इंच के अलॉयस आते हैं वो काफी अच्छे लगेंगे। और जो उनका डिजाइन है वो भी डिफरेंट होना चाहिए अभी वालों से, क्योंकि अभी वाले अच्छे लगते हैं, काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई वो पंच नहीं आता यार, समझ रहे हो, थोड़ा ऐसे सेक्सी वाला वो नहीं आता इस गाड़ी में। और भाई पीछे से इस गाड़ी की लुक्स एकदम परफेक्ट है, एकदम डिसेंट है, बिल्कुल मत छेड़ना मेरे ख्याल से, क्योंकि जो XUV700 है उसकी लुक्स बहुत ही बेकार है पीछे से, लेकिन इस गाड़ी की बहुत ही तगड़ी है, तो इसलिए भाई इसे मेंटेन करके रखना। दोस्तों आपको पता ही है कि 5 स्टार सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है, जो कि आप NCAP में अचीव कर सकते हैं, टाटा की ऑलमोस्ट हर एक गाड़ी में आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, लेकिन भाई जो हैरियर है हमारी उसमें अभी तक क्रैशेस रेटिंग हुई, तो इसलिए हमें पता नहीं है कितनी स्टार है, 5 होगी। वैसे अगर सोचो भाई उनकी जो पंच है उसमें 5 स्टार है, इसमें 4 स्टार है, तो वो ऑब्वियसली होने नहीं वाला, लेकिन इस गाड़ी में आपको 5 स्टार मिलने वाले हैं। लेकिन सोचो अगर इस गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग है, साथ ही में आपको ADAS मिलता है, तो इस गाड़ी में आपको 6 स्टार रेटिंग मिल सकती है। अबे पी क्या आया क्या? तो मतलब ऑब्वियसली 6 स्टार नहीं मिलने वाली, लेकिन ADAS मेरे ख्याल से काफी एक सेक्सी फीचर बन चुका है आजकल मार्केट का, जो कि इस वाले सेगमेंट में आ रहा है। और अगर जो नया वाला इसका फेसलिफ्ट है अगर उसमें ये वाला वर्जन आता है तो भाई सोचो कितने मजे आएंगे आपको भी और मेरे को भी। पर इसमें ये खराबी है कि जैसे आप ऑनलाइन देखते होंगे कि जो टाटा वाले ओनर्स है वो ऐसे किसी की गाड़ी के पीछे ऐसे मार देते हैं और उनकी गाड़ियां पिचका देते हैं, फिर ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाएगा भाई उससे, तो मजे थोड़े कम हो जाएंगे टाटा ओनर्स के। अगली चीज दोस्तों आपको पता है कि जो टाटा हैरियर है वो कहां पे मात खाती है, वो है उसके फीचर, जो कि कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, कुछ ज्यादा बेसिक है, तो इसलिए मैं मानता हूं कि हम कार्वर्सल प्रोस को इस गाड़ी के फीचर अपग्रेड करने पड़ेंगे, टाटा को सजेशन देने पड़ेंगे, जिसमें पहला मेरे ख्याल से सजेशन है कि जो इस गाड़ी का डैशबोर्ड है काफी डिसेंट लगता है, काफी अच्छा लगता है, लेकिन डैशबोर्ड में जो 8.5 इंच की स्क्रीन है, इतनी चोमू स्क्रीन है, उसे हटा के 10 इंच की लाओ, उसमें आपको ना तो बढ़िया टच इंटरफेस मिलता है, ना तो आपको बढ़िया कनेक्टिविटी मिलती है, और साथ ही में जो स्क्रीन है उसका साइज इतना ज्यादा छोटा है, तो भाई क्या फायदा यार इतनी छोटी स्क्रीन का इतनी बड़ी गाड़ी में, तो एटलीस्ट हमें 10 इंच का चाहिए। जो सेकंड अपग्रेड है कि जो टाटा हैरियर है उसमें आपको बैक कैमरा मिलता है, जिसकी जो क्वालिटी है बेकार है, तो इसलिए इस गाड़ी में हमें 360 डिग्री कैमरा चाहिए, 360 डिग्री कैमरा की बहुत ही जरूरत है, इस गाड़ी का साइज बहुत ही बड़ा है, तो अगर 360 डिग्री कैमरा आ जाए तो इस गाड़ी को पार करने में काफी आसानी होगी। थर्ड जो सफारी है उसका जो नया वाला वर्जन है, जो XZ वाला नया वर्जन है, उसमें आपको सामने की सीटों में
और आपको पीछे की सीटों में वेंटिलेशन मिलती है, जो कि चलो आखिरकार टाटा ने सुन ली। लेकिन भाई मेरे ख्याल से जो हैरियर है उसमें भी ये वाला फीचर आना चाहिए। हैरियर में क्यों नहीं आ रहा? क्या वो महंगी गाड़ी नहीं है? क्या वो सस्ती गाड़ी है? इसलिए भाई हैरियर में भी जो सामने की सीटें हैं उनमें वेंटिलेशन आना चाहिए, ताकि हमें बढ़िया मजा आए। जो हैरियर है उसमें आपको जो हैंड ब्रेक मिलती है काफी ऐसे बोरिंग वाली है, जो कि आपको ऐसे ऊपर उठानी पड़ती है, तो भाई वो सेक्सी नहीं है यार वो बिल्कुल भी। जो सफारी है उसमें आपको इलेक्ट्रिक मिलती है, तो इस गाड़ी में इलेक्ट्रिक आनी चाहिए ताकि थोड़ा मजा आए भाई। भाई आपको नहीं लगता कि जब से जो टाटा सफारी लॉन्च हुई है तब से जो हैरियर है उस पे कम ध्यान दे रहे टाटा वाले, और जो सफारी है उसके ऐसे बढ़िया बढ़िया एडिशन लॉन्च कर रहे हैं, जबकि जो हैरियर है मेरे ख्याल से उसकी ज्यादा बढ़िया फैन फॉलोइंग है एज कम्पेयर टू सफारी। भाई तो गया भाई, तो कैंसिल होने वाला है। जो हैरियर है उसमें आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो डिसेंट है, जिसमें आपको बीच में टाटा का लोगो मिलता है। लेकिन अगर आप स्टीयरिंग देखो यार, इतना मतलब समझ लो सॉलिड नहीं लग रहा है, ऐसे नया सा नहीं लग रहा। इसलिए जैसे आपको स्टीयरिंग मिलता है नई वाली XUV700 में, जो कि ऐसे काफी नया सा लगता है, स्पोर्टी सा, या फिर आपको टाटा पंच वगैरह में मिलता है, वैसा इस गाड़ी में स्टीयरिंग आना चाहिए जो कि थोड़ा स्पोर्टी लगे, थोड़ा नया लगे, क्योंकि जो अभी वाला है काफी पुराना सा लगता है, काफी ओल्ड स्कूल लगता है, तो इसलिए थोड़ा नया स्टीयरिंग आना चाहिए। अगली दोस्तों जो एक बहुत ही बड़ी खामी है टाटा की हैरियर में, इस गाड़ी में आपको पेट्रोल का ऑप्शन नहीं मिलता। जो XUV700 है उसमें ऑलमोस्ट आधी सेल पेट्रोल में होती है, जो MG हेक्टर है उसमें पेट्रोल में ज्यादा सेल होती है एज कम्पेयर टू डीजल। लेकिन भाई टाटा वाले पता नहीं क्या कर रहे हैं, इस गाड़ी में पेट्रोल का ऑप्शन लॉन्च ही नहीं करते। और जो रूमर्स आ रहे हैं कि टाटा एक 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन डेवलप कर रहे हैं, जिसमें आपको 160 हॉर्स पावर मिलने वाली है, तो भाई क्या मजा यार उसमें। सोचो आप इतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो, आजकल 200 हॉर्स पावर आ रही है हर एक गाड़ी में, मतलब काफी गाड़ियों में, और इस गाड़ी में इतनी बड़ी गाड़ी में आपको 160 हॉर्स पावर मिल रही है। तो भाई टाटा को मेरे ख्याल से एक एडवाइस है कि 170-180 हॉर्स पावर आनी चाहिए, ताकि जो टाटा ओनर्स है वो भी थोड़ी ड्रैग रेस कर पाए और थोड़ा शो ऑफ कर पाए। फिर दोस्तों जो हमारी बहुत ही बड़ी कंप्लेंट है आपको इस वाली क्लिप से पता चलेगी। जो पहली वाली सफारी है उसका नाम था उसकी ऑफरोडिंग के लिए, लेकिन जो अब वाली हैरियर है या फिर जो अब वाली सफारी है उसमें आपको इतनी बेकार ऑफरोडिंग मिलती है, ना तो आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता है, पहले वाली में फोर व्हील ड्राइव था, अब आपको ऑल व्हील ड्राइव भी नहीं मिलता। तो इसलिए भाई मेरी एडवाइस है टाटा को कि इस गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि जो XUV700 है उसमें भी ऑल व्हील ड्राइव की काफी डिसेंट डिमांड है। तो अगर इस गाड़ी में भी आता है इसकी भी डिमांड बढ़ने वाली है, तो अगर आपको पेट्रोल इंजन मिल जाए साथ ही में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिल जाए, तो भाई अपने आप ही टाटा की सेल्स बढ़ने वाली है, पता नहीं क्यों नहीं डाल रहे वो। तो भाई ये मैंने पूरी लिस्ट बना ली है और अब मैं टाटा को ये मेल करने वाला हूँ, देखते हैं भाई उनका रिप्लाई आता है या फिर नहीं। और अब भाई चलो बात करके देखते हैं किसी डीलरशिप से इस गाड़ी के फेसलिफ्ट के बारे में। अच्छा जी सर, ये सर मुझे हैरियर फेसलिफ्ट के बारे में इंक्वायरी करनी थी। सर अभी तो उससे कोई अपडेटेशन नहीं है कि कोई फेसलिफ्ट आने वाला है। यूट्यूब पे तो दिखा रहे थे, पता नहीं कोई फेसलिफ्ट का। सर देखो यूट्यूब तो सर सोशल मीडिया पे जो एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं, बट राइट नाउ अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो भाई टाटा के सेल्स पर्सन के साथ ये बढ़िया बात थी कि इन्होंने बेइज्जती नहीं करी बाकी के जो कंटेंट क्रिएटर्स है, जैसे जो टोयोटा के डीलरशिप के सेल्स पर्सन है उन्होंने करी थी। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, प्लीज सब्सक्राइब करना, हमारा 5,50,000 सब्सक्राइबर का एम है, अगर आप चाहे तो कंप्लीट करा सकते हैं। और हाँ भाई थोड़े वीडियो सजेशन देना, और ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो मेरी वीडियो है वो 8 मिनट से ऊपर हो जाए और मैं एक मिड्रोल ऐड डाल पाऊँ और बढ़िया बढ़िया पैसे बना पाऊँ। तो इसलिए भाई देखते रहो मेरी बकवास, सुनते रहो 5-7-10 सेकंड के लिए। और हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग, यो ब्रोज, यो 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 यो, चलो बस हो गया भाई।